बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये एक पैन लिया मैंने और पैन के अंदर मैं डालूंगी कलरफुल सेवइयां, इनको ब्राउन करूंगी। इनको हल्का हल्का ब्राउन करेंगे इसलिए कि अगर वैसे इनको दूध में हम शामिल करेंगे तो इनका जो कलर है वो उतरना शुरू हो जाता है। पहले हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, फिर इसका जो कलर है वो नहीं उतरेगा। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे न्यू होते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। यकीन माने आपकी हेल्प बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, आप लोग हमारी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए न्यू न्यू जो रेसिपियाँ हैं वो लेके आते हैं। ये देखें सेवइयाँ जो हैं वो हल्की हल्की जो हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं फ्लेम को बंद करूंगी और इनको लूंगी उतार। कढ़ाई में 1 लीटर दूध लूंगी। दूध जो है वो मैंने खुला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म होने तक इसको छोड़ेंगे। दूध जो है वो गर्म हो रहा है, अब 2 टीस्पून इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी। और मिक्स करूंगी इसको। जी आप ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, जो डिब्बा पैक होती हैं या दूध वगैरह कोई ऐसी चीज़, उनसे ज़रा परहेज़ किया करें, इसलिए कि उनको केमिकल्स लगे होते हैं। ये हम जो है वो भैंस का दूध हमने जो लिया है वो है, और कुदरती तौर पे इसके अंदर अल्लाह ने गज़ाइयत रखी है, तो आप कोशिश किया करें। ये हम जो है वो भैंस का दूध हमने जो लिया है वो है और कुदरती तौर पे इसके अंदर अल्लाह ने गज़ाइयत रखी है, तो आप कोशिश किया करें कि आपको भैंस का दूध जो है वो मिल जाए तो वो बेहतर है सबसे, बच्चों को पीने के लिए भी और ये जो हम स्वीट डिश बनाते हैं उनके लिए भी। दूध जो है उसको उबाल आ चुका है। अब मेरे पास कस्टर्ड है, कस्टर्ड को मैंने पहले थोड़ा दूध लिया उसके अंदर मैंने इसको मिक्स किया और वो उसके अंदर ऐड कर रही हूँ, साथ साथ में इसका चम्मच हिलाती जाऊंगी। इसको हम बराबर हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने इसमें। जी ये देखें कस्टर्ड जो है वो हमारा तैयार है, अब हम इसको नीचे उतारेंगे। पैन के अंदर तकरीबन मैं 1/2 लीटर दूध लूंगी। देखें दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, अब इसको मिक्स करूंगी। ये देखें ये मलाई आ रही है ऊपर, ये इस वजह से आ रही है कि भैंस का दूध लिया हमने, अगर हम डब्बे का दूध लेंगे तो ये मलाई नहीं आएगी ऊपर। अब हमने जो सेवइयां रखी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इनको पकाएंगे।
ये देखें, अब है मेरे पास ये मूंगफली है मेरे पास, मूंगफली के दाने मैंने निकाल लिए हैं। ये गिरी है, गिरी को भी मैंने काट के रख लिया है। ये बादाम है, बादाम को भी मैंने कट किया पहले। और ये मेरे पास 3 अदद छोटी इलायची हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और थोड़ा सामान जो है वो हम गार्निश के लिए रख लेंगे। ये जो है इलायची जो है वो मैं तीनों के तीनों इसके अंदर ऐड कर दूंगी। खोल के इस तरीके के साथ खोलेंगे। ये खुशबू के लिए बहुत प्यारी और बहुत ही धीमी धीमी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है खुलते ही। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसके दाने जो हैं वो निकाल के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, अब इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड करूंगी, क्योंकि कस्टर्ड में हमने जो चीनी डाली है वो हल्की सी डाली है, और हल्की सी इसके अंदर डालेंगे। ये देखें जी, दूध जो है खुश्क होना शुरू हो चुका है। अब हम इसको अभी और बनाए पकाएंगे। दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है, अभी इसको और पकाएंगे ताकि दूध जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। और बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं इसको, और मेहमानों की भी ये बहुत पसंदीदा है। जब मेहमान आ जाएं तो फौरी आप उनको बनाकर स्वीट में ये पेश करें। आप मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं, आपके लिए आप मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मज़ीद यकीन माने, आप लोगों के सिवा हम कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी जो YouTube फैमिली है वो हमारा साथ ना दे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी ये देखें, सेवैयों का दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। फ्लेम को करेंगे अब हम बंद, और हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। कस्टर्ड को मैंने निकाला है बाउल में, और ये मैंने केला लिया है एक, वो केला जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे। अगर आप चाहें तो किसी और तरीके के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह, आप जो सेवइयां हमने बना के रखी थी वो इसके ऊपर शामिल करूंगी। ये हमारी रेसिपी जो है वो 2 एंड 1 होगी। ये देखिए माशाल्लाह, सेवइयां जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और मुझे खुद भी बहुत पसंद है सेवइयां। अब जो हमारे पास बचे हुए केले थे वो इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह, और ये जो हमने बचा के रखी थी अपने पास मूंगफली, मूंगफली है मेरे पास वो इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखें ऐसे।
आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो मौजूद थे, तो मैंने ये वाले जो हैं ये इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब समझा। जी विवल, स्वीट रेसिपी जो है हमारी वो बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। ये देखें,